आज हम लोग एक्सरसाइज 14.3 से फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। पहला क्वेश्चन कहता है 28x4 डिवाइडेड बाई 56x। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 28x4 अपॉन 56x। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 7, 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 28, × x × x × x × x अपॉन, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 7 × x। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बच गया x × x × x और नीचे बच गया 2, तो ये हो जाएगा x³/2 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है −36y³ डिवाइडेड बाई 9y². ठीक है, तो ये हो जाएगा −1 × 2 × 2 × 3 × 3, 9 × 4 = 36 × y × y × y अपॉन 3 × 3 × y × y। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, y से y कैंसिल होगा, y से y कैंसिल होगा, तो ये बचेगा −1 × 2 × 2 × y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × −1 − 4 − 4y और यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है 66PQ²R³ डिवाइडेड बाई 11Q²। मतलब क्या हो गया, 66PQR³ अपॉन 11QR²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × 11 × P × यहाँ Q² है, Q × Q × R × R × R अपॉन 11 × Q × R × R। तो ये 11 से 11 कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया और इस R से R कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 6 × P × R। तो ये हो जाएगा 6PR, यही आपका आंसर हो जाएगा, PQR, एक Q भी बचा होगा, PQR, यही आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ भी एक Q होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है 34x³y³z³ upon 51xy²z³। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 17 × 34 = x × x × x y³ = y × y × y और z³ = z × z × z अपॉन क्या हो जाएगा, 3 × 17 × x × y² = y × y × z³ = z × z × z। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल करेंगे और जो बच जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल होगा, इस y से y कैंसिल होगा, z कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 2 × x × x × y और नीचे में बचेगा केवल 3, तो ये हो जाएगा 2/3 x²y, ये हो जाएगा 2/3 x²y और यही आपका आंसर हो जाएगा 2/3 x²y। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 12
a का पावर 8 b का पावर 8 डिवाइडेड बाय 6 a का पावर 4 b का पावर 4। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 12 a का पावर 8 b का पावर 8 अपॉन माइनस 6 a का पावर 4 इंटू b का पावर 4। तो इसको आप काट सकते हैं, 6 टू जा 12, ये 4 है तो ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ये इसमें बचेगा a का पावर 4 और इसको 4 से काट दीजिएगा तो ये बचेगा b का पावर 4। तो ये आपको बचेगा माइनस है तो माइनस 2 a का पावर 4 इंटू b का पावर 4। या आप इसको एक्सपोनेंट वाले फॉर्मेट से भी बना सकते हैं, 12 a का पावर 8 b का पावर 8 अपॉन माइनस 6 a का पावर 4 b का पावर 4 है। तो आप जानते थे, एक्सपोनेंट्स आप पढ़े हुए हैं कि a का पावर m अपॉन a का पावर n होता है, तो ये हो जाता है a का पावर m माइनस n। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पल कट जाएगा 2 टाइम्स और माइनस ऊपर चल जाएगा तो माइनस 2 a का पावर 8 माइनस 4 b का पावर 8 माइनस 4। तो इस जगह माइनस 2 a का पावर 4 b का पावर 4 और यही आपका आंसर हो जाएगा। या इससे पहले जो तरीका से बना रहे थे सबको मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हैं, आप किसी भी तरीका से बना सकते हैं।